सर आप अधिकांश बातों ही बातों में बहुत सारी बातें कह देते हैं कि इस वक्त जैसे महा जो दल है वह समर्थन है, और आपने बोला कि तमाम पार्टियां जो इस वक्त गठबंधन करने जा रही हैं उससे अंदर कांग्रेस भी अपना पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है, तमाम संगठन अपने आप का पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और बहुत सारे स्टेटमेंट्स के अंदर ये भी है कि अगर मायावती का सभी पार्टियां समर्थन कर देती हैं तो वोट पूरा देश से बेहिसाब का पड़ जाएगा, जिसको बीजेपी भी नहीं संभाल पाएगी। लेकिन यहाँ पर ओपी राजभर का लगातार बयान एक आता है, वो बयान मैं आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव के पास बिल्कुल भी अपना वोट बैंक नहीं है, ना तो उनके पास यादवों का वोट है, ना ओबीसी का वोट है, और ना ही मुस्लिम समाज का वोट है। उन्होंने ये स्टेटमेंट कहा कि मायावती को साथ ले लें, क्या कारण है कि ओपी राजभर मायावती के इतने दीवाने क्यों हैं, और वो लगातार यही बोलते रहते हैं कि सभी पार्टियां बहन जी को अपना प्रधानमंत्री बना लें, नहीं तो आप इस गठबंधन को या इस बीजेपी को कभी नहीं हरा पाएंगे। एक स्टेटमेंट मैं ओपी राजभर जी का यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। केले दम है जीतने की, सरकार तो नहीं बना पाए, ये तो बीजेपी करती है, नहीं आप भी बोल रहे हो। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा 80 सीट जीतेंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो आप मुझसे जीतेंगे, आप मायावती के पास वोट है उसके यहाँ नहीं जाओगे, ओम प्रकाश राजभर के पास वोट है नहीं जाओगे जी। क्या कहना चाहेंगे सर इस तरीके के बयानबाजी को, कि क्या कारण है कि इतनी दीवानगी दूसरी पार्टी में रहते हुए अपोजिशन पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए बात जायज है, इस समय भारत के अंदर जो है हर एक बिरादरी के अंदर नेता निकला हुआ है, अधिकांश बिरादरियों के अंदर नेता निकला हुआ है, तो जो उसे कोर वोट माना जाता है। वास्तविकता तो यही है कि जो अहीर बिरादरी है उत्तर प्रदेश में, उसकी संख्या कोई पूरे उत्तर प्रदेश में तो फैली हुई नहीं है, कुछ एरिया में वो फैले जो है उनकी बिरादरी है, उनकी भी संख्या लगभग 6-7% है। और मुस्लिम समाज जो है इस समय बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूज है, वो ये निर्णय नहीं ले पा रहा है कि भाई बीजेपी को हराने के लिए हम समाजवादी पार्टी को वोट दें, हम बसपा को वोट दें, या सेंटर के हिसाब से हम कांग्रेस को वोट दें। अगर और जिसमें आपने देखा होगा कि कांग्रेस पल्ला झाड़ती हुई दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो उसको ये लग रहा है मुस्लिम समाज को कि कांग्रेस अगर समाजवादी पार्टी के पास साथ में नहीं आती है तो फिर मुस्लिम समाज को अगर हम हटा देते हैं समाजवादी पार्टी में से, और 50% वोट हिंदुत्व के नाम पर जो अहीर बिरादरी यादव बिरादरी जो बीजेपी को देती है, तो कहीं ना कहीं 2-3% पे आकर के ये जो है समाजवादी पार्टी आकर के टिकती है। तो जो कोर वोट जो किसी पार्टी का कहा जाता है उसमें समाजवादी पार्टी सबसे कमजोर स्थिति में है, इसलिए उन्होंने ये बात कही है कि भाई जो कोर वोट जो ओम प्रकाश राजभर जी के पास है उसको आप लोग, उनसे आप लोग निमंत्रण नहीं दे रहे हैं, उनसे आप बातचीत नहीं कर रहे हैं। कोर वोट सब कुछ कट जाने के बावजूद भी जो 13% वोट अभी भी जो बहन मायावती जी के पास है उसको आप लोग आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। तो जिन जिन नेताओं के पास अपने समाज का कोर वोट है उसको आप लोग काउंट नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे भाजपा को हराएंगे? तो ये इसलिए इनकी बात जो है ओम प्रकाश राजभर जी की बात ये जायज है। बात ये नहीं है कि वो बसपा के पक्ष में बोल रहे हैं तो हम उनको धन्यवाद बोल दें, कल को वो बीजेपी के पक्ष में बोल देंगे तो हम उनको गलत साबित करेंगे, ऐसा नहीं है। बात ये जायज है कि जो कोर वोट जो बहन जी के पास है इस समय, इतना भी वोट अभी समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। समाजवादी पार्टी के पास भी जो वोट है वो कहीं ना कहीं जो है हवा का गुब्बारा दिखा करके है, अंदर से वो खाली है, जैसे फुटबॉल होती है अंदर से वो खाली होती है, उसमें प्रेशर होता है, उसका प्रेशर निकलने के बाद वो किसी काम की नहीं रहती है। जैसे झूठ के आधार पर वोट बीजेपी के पास है, ऐसे झूठी पुलिंदा के हिसाब से ही समाजवादी पार्टी के पास वोट है, क्योंकि उसकी बिरादरी 50% वोट जो है उनकी वो बीजेपी को वोट देती है। मुसलमान समाज को हटा दिया जाए जिसके दम पे वो कूदते हैं। मुस्लिम समाज के नेताओं ने भी कहा कि जहां पर मुस्लिम समाज बड़ी संख्या में था वहां पर सपा जीती, और जहां पर अहीर बिरादरी यादव बिरादरी बड़ी संख्या पे थी वहां पर सपा हारी है। तो इसलिए जो है उनकी बात से हम सहमत हैं कि जब तक ये गठबंधन के करने की मंशा रखने वाले लोग जब तक बहन जी को अपने इस का हिस्सा नहीं बनाएंगे,
तब तक वो बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं। बीजेपी को हराने के लिए बहन जी को उनको आमंत्रित करना पड़ेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी भी मंशा है कि भाजपा जीत जाए। जी जयप्रकाश जी, तमाम पार्टियां चाहती हैं कि इस वक्त बीजेपी हारे, और बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसके पास कोर वोट है, मतलब जिसके पास अपना एक स्ट्रांग वोट है, लेकिन क्या कारण है कि पहल कोई भी करके राजी नहीं है, बहन जी को समर्थन देके कोई राजी नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा होता है। राजनीति वो होती है जो राजनीति दिखाई नहीं देती, वही राजनीति होती है, यानी कि पर्दे के पीछे भी बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन क्या कारण है कि खुल के जो बहन जी का समर्थन नहीं करते हैं, दबी जमा से बहन जी का समर्थन करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें दो दो कारण मुख्य हैं। नंबर वन, उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि अगर इस बैठक में अगर हम बहन जी को आमंत्रित करते हैं तो उनका ऑरा, उनका हौदा इतना बड़ा मजबूत है कि और सब लोग उसमें अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। क्योंकि अगर किसी भी हम अगर हम रेटिंग की बात करें कि भाई किसके हम कितने नंबर दें रेटिंग के हिसाब से, तो सीएम की 4 बार मुख्यमंत्री के नाम पर, उधर वो जो दूसरे जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश जो है बड़ा रहा है, तो सीनियरिटी के हिसाब से कोर वोट पूरे देश में सबसे ज्यादा रखने के हिसाब से, अगर इन सब चीजों को अगर देखा जाए, आदि इन्हीं चीजों को अगर देखा जाए, तो इन सब चीजों के आधार पर बहन जी जो है उनमें मजबूत दिखाई देती हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई जब प्रधानमंत्री के अगर हम लोग पहले प्री में हम लोग प्री चुनाव प्री इलेक्शन हम लोग अगर बात करते हैं कि भाई प्रधानमंत्री की बात किसकी रखी जाए, तो अगर वो बहन जी को प्रधानमंत्री के लिए अनाउंस करते हैं तो उनको दिक्कत है, वो फिर उनका जाति का फैक्टर पड़ रहा है कि बहन जी की बिरादरी के व्यक्ति को हम अनाउंस करेंगे तो कहीं दूसरी बिरादरियां हमसे गुस्सा ना हो जाए, और अगर इनको हम लोग अनाउंस नहीं करते हैं, इनके नाम पे हम चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो फिर हम इनको इग्नोर कैसे कर दें, इनके पास सबसे ज्यादा रेटिंग है, सबसे ज्यादा इनके नंबर बनते हैं, तो कहीं ना कहीं इन दो कारणों की वजह से ये बहन जी को इग्नोर करते हैं अपने इस गठबंधन में बुलाने के लिए। जी जयप्रकाश जी, एक मैं आपसे सवाल अपने व्यक्तिगत तौर से रखना चाहूंगा और जानना भी चाहूंगा, अगर कोई भी पार्टी इस वक्त बहन जी का समर्थन करती है तो क्या आने वाले समय के अंदर वह पार्टी बहुजनों की, दलितों की नजदीकी नहीं कहलाएगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है भाजपा से बचने का, ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। परमानेंट ट्रीटमेंट तो विचारधारा का होता है, सोशल चेंज का होता है, मूवमेंट का होता है, रिवॉल्यूशन का होता है। अगर हम लोग पूरे मूवमेंट का, रिवॉल्यूशन का अध्ययन करते हैं पूरी दुनिया में सामाजिक परिवर्तन का, तो वो परमानेंट इलाज होता है। तो ये तो एक भाजपा से बचने का एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। इसके आधार पर कोई ये सोचे कि भाई हम लोग जो है बहन जी के पक्ष में बोल करके तो उनके वोट को अपने साथ में लेकर के इन समाजों को जो मूवमेंट को लाइक करते हैं वो परमानेंट उनकी पक्षधर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये एक विचारधारा का मामला है, जब कभी आगे जाकर के विचारधारा में कॉन्फ्लिक्शन आएगा तो तब उसका विरोध किया जाएगा। तो कोई ये सोचे कि भाई इस तरीके से उनको समर्थन मिल जाएगा, परमानेंटली मिल जाएगा, या बहन जी के कमजोर कर जाने से ये समाज उनके पक्ष में हो जाएगा, तो ये उनकी सोच गलत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।